नमस्कार, आज हम अभ्यास करेंगे गौमुख आसन का। जानेंगे इस आसन की विधि, लाभ और सावधानियों के संदर्भ में। गौमुख आसन को करते समय हमारे शरीर की आकृति गौ माता के मुख के समान बन जाती है। सबसे पहले जानते हैं इस आसन की विधि। सर्वप्रथम अपने दोनों घुटनों को सीधा करके दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाईं एड़ी को बाएं नितंब के नज़दीक लेकर आएंगे। अब अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाएं नितंब के नज़दीक लेकर आएंगे। इस प्रकार घुटने एक के ऊपर एक रहें। अब जो हाथ ऊपर है उस हाथ जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेकर जाएंगे और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से लेकर जाएंगे और पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसा देंगे। इस प्रकार कोहनी सिर के पीछे रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी। इस स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। इसके बाद वापस आएंगे, हाथों को वापस लेकर आएंगे और इस आसन को विपरीत दिशा से भी दोहराएंगे। जो घुटना नीचे है उसे ऊपर लेकर आएंगे और जो ऊपर है उसे नीचे लेकर जाएंगे। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेकर जाएंगे और जो हाथ नीचे है उसे नीचे से। पीछे जाकर धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को नज़दीक लेकर आने का प्रयास करेंगे। आपस में फंसाकर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लेंगे। पीछे से दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई हों। इस स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हाथ वापस और पैर सीधे ले आएंगे। इस आसन के अभ्यास से कंधों, पीठ और हाथों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। किडनी के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। श्वास रोगों के लिए, जिन लोगों को सांस से संबंधित समस्या है, सांस लेने में समस्या होती है, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाती है या थोड़ा सा भी पैदल चलने पर लंबे सांस लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभ करता है। सावधानियों के रूप में इतना ध्यान रखें, जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई गंभीर रोग है या गर्दन से संबंधित कोई गंभीर रोग है, वह लोग इस आसन का अभ्यास ना करें।